देश में 12 घंटे में कोविड 19 से 66 मौतें और 1263 नए मरीज सामने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 33,000 पार कर गई है। गुरुवार को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 33,050 हो गए हैं और इस खतरनाक कोविड 19 से अब तक 1,074 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कुल 33,050 केसों में 23,651 एक्टिव केस है। वहीं 8,325 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। कोरोना वायरस से सर्वाधिक 432 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई। यहां अब तक इस महामारी से पीड़ितों की संख्या 11,940 हो गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के अब तक 4,587 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3,439 एक्टिव केस है और 56 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना वायरस के 2,683 केस आ चुके हैं, इनमें से 510 लोग ठीक हुए हैं और 39 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में अब तक 3,257 मामले सामने आ चुके हैं। यहां 51 लोगों की मौत का मामला सामने आया है और 768 लोग ठीक हो चुके हैं। गुजरात में अब तक 4,806 मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात में कोरोना से 197 लोगों की मौत हो चुकी है।